हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कलर टीवी को रिपेयर करने जा रहे हैं और इसमें दोस्तों कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। टीवी दोस्तों हमारा सही चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप पीछे ऑडियो वीडियो अगर लीड लगाते हैं ऑडियो वीडियो सॉकेट में, या ट्यूनर को अगर गलती से आप हाथ लगाते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ज़बरदस्त शॉक लगेगा, करंट लगेगा। तो दोस्तों ये शॉक और करंट क्यों लग रहा है, तो इसको हम जानते हैं। आखिर ये शॉक क्यों लगता है, करंट क्यों आता है, इसका क्या कारण है और ये कैसे ठीक होगा। अगर दोस्तों आप इस टीवी में गलती से अगर टीवी ऑन है और कहीं हीट सिंक पर या ट्यूनर पर या ऑडियो वीडियो का जो सॉकेट है वहाँ पर अगर आप हाथ लगा देते हो, तो दोस्तों इसमें बहुत ज़बरदस्त करंट आ रहा है, शॉक लग रहा है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। तो इसमें शॉक क्यों आ रहा है, इसको हम चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देख लेना है टीवी को खोल के कि इसका जो मेन लीड वगैरह है दोस्तों वो कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हीट सिंक वगैरह से टच तो नहीं हो रहा है। इसको आपको सबसे पहले देख लेना है। अगर दोस्तों इसका मेन लीड कहीं से कटा फटा होगा और कहीं इस किट से हीट सिंक से अगर टच होता होगा, तो इसमें करंट आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये बहुत कम इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, और सबसे ज़्यादा दोस्तों इसमें करंट आने का जो प्रॉब्लम होता है, समस्या जो है वो किस वजह से होता है, इसको चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो आप इस तरह से दोस्तों मेन लीड को एक बार चेक कर लें कहीं से कटा फटा तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये इस कलर टीवी का पावर सप्लाई है। दोस्तों ये जो फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी कलर टीवी में दोस्तों आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर कहीं हीट सिंक वगैरह पे अगर करंट आ रहा है, कहीं भी ऑडियो वीडियो सॉकेट में या ट्यूनर को हाथ लगाने से करंट आ रहा है, तो दोस्तों वो कोई भी कंपनी का टीवी हो, उसको आपको इस सिंपल तरीके से आपको रिपेयर करना है और चेक करना है। आपका प्रॉब्लम निश्चित ही सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई का सेक्शन दिख रहा है दोस्तों, ये इस तरह से मार्किंग दिया गया है। ये इसको फ्लोटिंग ग्राउंड कहते हैं दोस्तों। इसका जो ग्राउंड है दोस्तों पावर सप्लाई का, इसका ग्राउंड अलग होता है दोस्तों। यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर बड़ा सा फिल्टर कैपेसिटर, उसका जो नेगेटिव है दोस्तों उसके साथ ये ग्राउंड हुआ है, और बाकी जो किट है दोस्तों उसका ग्राउंड अलग है। तो ये दोनों दोस्तों जो दोनों ग्राउंड हैं, अगर ये दोनों ग्राउंड अगर आपस में मिल जाए, आपस में शॉर्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जो पावर सप्लाई में जो ग्राउंड है उसका जो नेगेटिव है दोस्तों, उसमें वोल्टेज ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए अगर दोनों शॉर्ट हो जाएं, दोनों ग्राउंड आपस में टच हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं, तो इस तरह का फॉल्ट आता है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहता है और एक रेजिस्टेंसर लगा रहता है, बहुत हाई ओम्स का, मेगा ओम्स में रहता है उसका वैल्यू। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट रहता है, लेकिन इनमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं होते। एक एक पिन दोस्तों दोनों ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहते हैं, लेकिन इनमें कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है। तो अगर ये दोस्तों ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए, तो दोस्तों आप कहीं भी हाथ लगाओगे तो करंट आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस कैपेसिटर को देख सकते हो दोस्तों, ये कैपेसिटर यहाँ से फटा हुआ है और ये शॉर्ट हो चुका है, और इसी कारण से दोस्तों ये जो पावर सप्लाई और बाकी किट का जो ग्राउंड है वो आपस में कनेक्ट हो चुका है, आपस में जुड़ चुका है। इसी कारण से दोस्तों यहाँ पर हीट सिंक में, ऑडियो वीडियो सॉकेट में, सब जगह पे जहाँ पे भी ग्राउंड पहुँच रहा है दोस्तों, उसमें करंट आ रहा है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को आपको निकाल देना है और यहाँ पर नया कैपेसिटर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस कैपेसिटर को निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर आखिर शॉर्ट कैसे होता है, इसका कारण भी आप जान लीजिए। अगर टीवी सेट में अगर हाई वोल्टेज आए,
तो ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और बरसात के सीज़न में दोस्तों लाइटनिंग पड़ती हैं तो उसमें दोस्तों टीवी में करंट आ जाता है, हाई वोल्टेज के साथ आता है, तो ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो ज़्यादातर यही कारण रहता है लाइटनिंग की वजह से, या किसी भी तरह से इसमें अगर हाई वोल्टेज आ गए हों तो ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जिससे दोस्तों किट में या किसी भी टीवी के किट में दोस्तों जहाँ पे भी ग्राउंड है वहाँ पर आपको करंट आएगा, क्योंकि पावर सप्लाई का ग्राउंड नॉर्मल जो ग्राउंड है वहाँ से कनेक्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो उसकी जगह पे दोस्तों आपको ये कैपेसिटर चेंज कर देना है। दोस्तों आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, इस कैपेसिटर को आप पहले चेक कर लें। यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाना चाहिए, जो भी आप नया कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहे हैं कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए, तभी आप उसको लगाएं, ठीक है दोस्तों। जो पुराना कैपेसिटर है दोस्तों वो तो ख़राब हो गया है, काला पड़ गया है, फट गया है, इसलिए दोस्तों हमने उसको निकाल दिया है और वो शॉर्ट भी है। तो आपको इस तरह से दोस्तों दोबारा से ये कैपेसिटर लगा देना है। आपका टीवी कोई भी कंपनी का हो दोस्तों, चाहे ब्रांडेड किट हो या फिर कोई चाइना किट हो, उसमें दोस्तों अगर कहीं भी करंट आपको लगता है हीट सिंक पर, ऑडियो वीडियो सॉकेट पे, तो दोस्तों आंख बंद करके इस कैपेसिटर को आप चेंज कर सकते हैं और आपका फॉल्ट 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है किस तरह से आपको रिपेयर करना है अगर टीवी के कहीं भी करंट आ रहा है, तो आप इस कैपेसिटर को चेंज कर सकते हैं। और इसका ख़राब होने का कारण है दोस्तों बरसात के मौसम में ज़्यादातर लाइटनिंग पड़ती है, तो उस कारण से ये शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉल्ट हमने रिपेयर कर लिया है, और दोस्तों अगर आपको इस तरह का फॉल्ट आया तो बहुत ही आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।